हम भारत के काजीरंगा नेशनल पार्क में हैं। ये दुनिया की सबसे अच्छी सैंक्चुरीज में से एक है, जहां ग्रेटर वन हॉर्न राइनोसरस की सबसे बड़ी तादाद के साथ कई और जंगली जानवरों की कमाल की रेंज है। प्रकृति ने काजीरंगा को बहुत से रंग दिए हैं, जो हर मौसम में बड़ी खूबसूरती से बदल जाते हैं। हम पार्क में 3 सीजन्स तक फिल्माते रहे और हम खुशकिस्मत थे कि यहाँ के बदलते हुए हालात और रंगों को सबसे अच्छी तरह कैप्चर कर पाए। ये मार्च की शुरुआत है। ठंड के पीले से मौसम के बाद अब धीरे धीरे धूप तेज होने लगी है। अब दिन का टेम्परेचर 25 डिग्री तक पहुंचने लगा है। सर्दी में हरी भरी रहने वाली ऊंची एलिफेंट ग्रास अब सूखकर धीरे धीरे भूरी होने लगी है। बड़े नदी नालों में अब भी काफी पानी है, लेकिन पार्क का ज्यादातर हिस्सा सूखा हुआ लग रहा है। जानवर अब जंगल में छांव वाले इलाकों में लौट आए हैं। राइनोस दिन में अपना ज्यादातर समय पानी में खुद को ठंडा रखने में बिताते हैं। लगता है गर्मी इन सबको परेशान कर रही है और गुस्सा सबकी नाक पर है। आराम करने की सबसे अच्छी जगह के लिए अक्सर लड़ाई छिड़ जाती है। हमारे सामने ही एक मेल राइनो ने पानी में घुसने की कोशिश की, जहां पहले से ही एक छायादार कोने में एक और बड़ा मेल पानी में आराम कर रहा था। उसने गुस्से में तुरंत पानी में आए राइनो को धमका दिया। ये अपनी जगह बांटना नहीं चाहता। बाद में आए राइनो को थोड़ी उम्मीद है। मौसम सचमुच बहुत गर्म है, लेकिन बड़ा मेल जरा भी रहम नहीं करता, इसलिए दूसरा मेल कहीं और चला जाता है। यहाँ पेड़ की छांव नहीं है, लेकिन और कोई चारा भी नहीं। काम हो गया, अब ये बड़ा बॉसी राइनो फिर से सो सकता है। अब मामला और दिलचस्प हो गया। पास के घास के मैदान से एक तीसरा राइनो ये सब देख रहा था। थोड़ी देर झिझकने के बाद उसने भी पानी की ओर बढ़ने का फैसला किया, लेकिन आधे रास्ते में शायद उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो लौट गया। लगभग 10 मिनट बाद उसने एक और कोशिश की। लेकिन उस बड़े मेल से सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी, जो पानी में सबसे पहले से मौजूद था और जो शायद इस इलाके का डोमिनेटिंग मेल है। लेकिन दूसरे मेल को तीसरे के आने से कोई परेशानी नहीं और उसके लिए उसने तुरंत जगह बना दी।
बिल्कुल पास ही मैंने एक टाइगर को गर्मी से राहत पाने के लिए पानी में डुबकी लगाते देखा। अचानक जंगल में दूर से धुआं उठता हुआ नजर आया। पास के सूखे मैदान में आग लग गई है। गर्मी का मौसम बस शुरू ही होने वाला है। हरा भरा लगने वाला काजीरंगा अब बिल्कुल सूखा हुआ लग रहा है। ज्यादातर एनिमल्स गर्मी से बचने के लिए पानी की शरण लेते हैं। हम तीन राइनोज और पानी में उनकी खींचातानी को फिल्माने में बिजी थे कि अचानक मुझे हवा में धुआं दिखाई दिया। हम धुएं की ओर बढ़े और वहां पहुंचकर देखा कि ये असल में पार्क मैनेजमेंट के द्वारा की गई एक प्लांट एक्सरसाइज है। हर साल गर्मी के मौसम में सूखी घास में आग लगा दी जाती है। इससे दो फायदे होते हैं। मोटी सख्त घास को जला देने से नई घास के उगने की जगह बन जाती है, जो ज्यादातर नर्म और न्यूट्रिशनल होती है, और घास चरने वाले जानवर इसे पसंद करते हैं। इस तरह आग लगाकर ये लोग यहाँ उगाए अनचाहे पौधों को भी जलाने की कोशिश करते हैं। अगर घास के मैदान पेड़ों वाले जंगलों में बदल जाएं, तो जानवरों की कई स्पीशीज पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, खासकर राइनोस पर। पार्क में घूमते हुए मैंने कई बड़े बड़े इलाके देखे जिन पर कॉटन सिल्क यानी सेमल के पेड़ उगाए हैं। इस पेड़ की स्पीशीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। एक बार जड़ें जमा लेने पर ये तेजी से फैलती हैं। इन्हें खत्म करना नामुमकिन लगता है। फॉरेस्टर्स अक्सर कॉटन सिल्क के पौधों को देखते ही उन्हें जलाते, काटते और उखाड़ते हैं, लेकिन फिर भी ये बार बार उगाते हैं। असम में दूसरी जगहों पर इस पेड़ को बहुत पसंद किया जाता है। इस राज्य में एक फलती फूलती कॉटन सिल्क इंडस्ट्री और हेरिटेज है, लेकिन यहाँ काजीरंगा में ये फॉरेस्टर्स के लिए एक बड़ा सिर दर्द है। घुसपैठ करने वाले पेड़ों और अनचाहे पौधों की स्पीशीज को कंट्रोल में रखते हुए घास के मैदानों को मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए पार्क के अलग अलग हिस्सों में हर साल घास को कंट्रोल तरीके से जलाया जाता है। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि जानवरों के आने जाने, रहने और खाने के लिए जगह काफी हो। कुछ हफ्ते बीतते ही सूखी घास की जगह नई नरम घास उगाती है। हर गुजरते दिन के साथ इस इलाके का रंग बदलता जा रहा है, मौसम भी बदल रहा है। ये मानसून से ठीक पहले के दिन हैं। ऑटर्स का एक झुंड सुहाने मौसम का मजा ले रहा है। ये काफी बड़ा झुंड है। मुझे आसानी से एक दर्जन से ज्यादा ऑटर्स दिख रहे हैं। कुछ आराम से धूप का मजा ले रहे हैं, जबकि बच्चे कभी शांत नहीं रहते और किनारे पर इधर उधर दौड़ने और एक दूसरे का पीछा करने में लगे हुए हैं।
हर थोड़ी देर के बाद ये मछली पकड़ने के लिए पानी में डुबकी लगा देते हैं। इस पानी में इतनी मछलियां हैं कि कोई भी भूखा नहीं रहता। काजीरंगा कमाल की रिच वाइल्ड लाइफ के लिए एक अच्छे प्लेग्राउंड की तरह है। इनमें से ज्यादातर शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स हैं। यहाँ कुछ भालू और लेपर्ड्स भी हैं, लेकिन वो अक्सर छिपकर रहते हैं और कभी कभार ही नजर आते हैं। हाँ, पार्क में रहने वाले लगभग 100 टाइगर्स अपनी मौजूदगी का एहसास जरूर कराते हैं। लेकिन ये भी 3 बड़े शाकाहारियों यानी हर्बीवर्स के साए में रहते हैं, राइनोज, एलिफेंट्स और वाइल्ड बफलोज। और तीनों का वजन 1 टन से ज्यादा होता है। ये ना किसी खास इलाके पर कब्जा करके रहते हैं और ना ही शिकार करते हैं। क्या ये भी एक वजह है कि काजीरंगा में वाइल्ड लाइफ की इतनी जबरदस्त वैरायटी मौजूद है? सच कहूं तो मुझे नहीं पता। जल्दी ही पार्क और इसके आसपास की पहाड़ियों पर मानसून से पहले के बादल छाने लगे। शुरुआती बौछारों ने जानवरों को मानसून और उसके साथ आने वाली बाढ़ के लिए सतर्क कर दिया है। इनमें से कई अब ऊंचे इलाकों और पहाड़ियों की ओर जाने के हर साल के सफर के लिए तैयार हो गए हैं। काजीरंगा के लिए मानसून सबसे मुश्किल वक्त है। हर साल पार्क बाढ़ में डूब जाता है, जिससे वाइल्ड लाइफ को कहीं और शरण लेनी पड़ती है। इस साल भी पार्क अगले कुछ मुश्किल महीनों के लिए तैयार हो गया है। पिछले कुछ दिनों से पहाड़ के ऊपरी इलाकों में बारिश हो रही है। बाढ़ का पानी किसी भी समय पार्क में पहुंच सकता है। इस बाढ़ से बचने के लिए पार्क में कुछ एक्टिविटीज चल रही हैं, जिसमें से पार्क में आर्टिफिशियल हाईलैंड्स बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है। जैसे ही पानी का लेवल बढ़ेगा, जानवर इन पर आराम से रह सकते हैं। पूरे स्टाफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पहाड़ों पर पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और काजीरंगा में कभी भी बाढ़ आ सकती है। मैं अभी जिस आइलैंड पर खड़ी हूँ, वो अगले 2 घंटों के अंदर अंदर डूब जाएगा और यहाँ के बाकी आइलैंड्स का भी यही हाल होगा। इससे काजीरंगा में रहने वाली वाइल्ड लाइफ को मजबूर होकर सेफ जगह की तलाश में यहाँ जो मेरे पीछे नजर आ रही पहाड़ियाँ हैं, इन पर जाना होगा। जल्दी ही बाढ़ के पानी की पहली लहर पार्क में पहुंच गई। कई निचले इलाके डूब गए हैं। अब टूटी फूटी सड़कों और कीचड़ भरे रास्तों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ईस्टर्न रेंज के रेंज ऑफिसर गुनजीत तालुकदार ने एक स्पेशली डिजाइन व्हीकल पोलारिस का इस्तेमाल करने का फैसला किया, ताकि इससे कुछ सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में पहुंच
मुश्किल से 2 मील आगे जाते ही हम ऐसी जगह पहुंच गए जहां रोड पानी में डूबी हुई थी। बाढ़ का पानी बढ़ रहा है और हर एक मिनट के साथ पानी बढ़ता जा रहा है। जल्दी ही पानी भर जाएगा और हम वापस नहीं आ पाएंगे। हाँ, वापस नहीं आ पाएंगे। अगर हम अभी इसे पार कर भी गए तो तालुकदार को डर है कि लौटते वक्त तक पानी इतना बढ़ जाएगा कि हम पार नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ आने जाने के लिए सिर्फ बोट्स ही काम आ सकती हैं। रात होने तक पाक के उस समय के डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर शुभाशीष दास को खबर मिली कि कुछ राइनोज बढ़ते हुए बाढ़ के पानी से बचने के लिए भटककर पाक के बाहर चले गए हैं। उनका पता लगाने के लिए तुरंत खोजबीन का काम शुरू हो गया। अगर राइनोज पार्क की बाउंड्री से बाहर निकल जाएंगे तो पोचर्स के हाथों उनके मारे जाने का बहुत बड़ा रिस्क है। 2 घंटे की खोज के बाद वो लापता राइनोज पास के एक चाय बागान में हमें आराम से चरते हुए दिखे। फॉरेस्ट गार्ड्स को रात भर उन पर नजर रखने और ये पक्का करने के लिए तैनात किया गया कि वो या तो पार्क में लौट आए या सुरक्षित पहाड़ों पर पहुंच जाए। साल के समय पार्क में जब बाढ़ का पानी भर जाता है तो राइनोज भटककर पार्क के बाहर चले जाते हैं और इस चाय बागान में रहने लगते हैं, क्योंकि यहाँ भी राइनोज को घास मिल जाती है। वो उसे चरने की कोशिश करते हैं और अभी वापस नहीं जाएंगे। वो कुछ दिनों तक यहीं रहेंगे। हम ये पक्का करते हैं कि कोई इनका शिकार ना करे। तब तक हमारा स्टाफ ऐसी टोंगीज में रहेगा। हम इन्हें टोंगीज कहते हैं। ये मचान है और ये ऐसे बाढ़ के समय में बहुत ही अच्छा काम चला उपाय है। ये राइनोज तो सेफ जगह पर पहुंच गए हैं, लेकिन कईयों को अब भी खतरा है। पहले ज्यादातर जानवर बाढ़ के समय यहाँ पार्क से लगी कार्बी एंगलोंग हिल्स पर चले जाते थे, लेकिन अब वो रास्ता खतरों से भरा हुआ है। पहले एनिमल्स जिन रास्तों से जाते थे उन पर अब बीच बीच में चाय बागान, धान के खेत और नेशनल हाईवे हैं। अभी हम पनबरी एलिफेंट कॉरिडोर में खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि उस तरफ काजीरंगा नेशनल पार्क है। वो उस पार्क का छोर है और उसके अलावा इस तरफ में पनबरी गांव के खेत हैं। ये प्लेन लैंड है, इसलिए बाढ़ आने पर जानवर यहीं से क्रॉस करते हैं। वो ऊंची जगह पर जाने की कोशिश करते हैं और ऊंची जगह है काबी हिल्स पर। इसके पीछे एक जंगल है, वो जंगल टाइगर रिजर्व का एक पार्ट है। ये जानवरों के जाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ से हमेशा गाड़ियाँ आती जाती रहती हैं। ये नेशनल हाईवे नंबर 37 है और हर घंटे में यहाँ से लगभग 230 गाड़ियाँ गुजरती हैं। इसका मतलब हुआ कि हर मिनट में 4 गाड़ियाँ। इसलिए सबसे व्यस्त समय में गाड़ियों के बीच से जानवरों को इसे क्रॉस करने में दिक्कत होती है। कई बार तो टक्कर भी हो जाती है, खासकर बाढ़ के समय। बारिश के पूरे मौसम में सैकड़ों फॉरेस्टर पार्क के अलग अलग हिस्सों में फैल जाते हैं ताकि जानवरों पर नजर रख सकें और अगर कोई जानवर मुश्किल में हो तो उसे बचा सकें। यहाँ रात दिन नजर रखी जाती है। छोटी कंट्री बोर्ड्स के साथ साथ स्पीड बोर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पार्क में इतनी तबाही और दिक्कत पैदा करने वाली बाढ़ इसे रीजनरेट और साफ करने की अहम भूमिका भी निभाती है। ये फ्रेश वाटर, मिनरल्स, सिल्ट और नई मछलियों को भी अपने साथ लेकर आती है और पार्क से बैक्टीरिया और अनचाहे पौधों को भी साफ करती है। पार्क के जिस जानवर को मानसून पसंद है
वो हैं वाइल्ड वाटर बफलो। ये ज्यादा ग्लैमरस या पसंद किए जाने वाले जानवर नहीं हैं, और इन्हें शायद ही कभी भारत की शानदार वाइल्ड लाइफ के बिग फाइव काउंट में शामिल किया जाता है। लेकिन सच ये है कि इनमें भी मशहूर होने वाली सारी कमाल की खूबियां हैं। बड़ी और ताकतवर बॉडी के साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा बोवाइन एनिमल है। सबसे जबरदस्त प्रेडेटर्स भी इनसे उलझने से पहले कई बार सोचते हैं। काजीरंगा के टाइगर्स इन पर हमला करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन कभी कभार उन्हें अपनी गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। अंदाजा ये है कि दुनिया में इनकी तादाद लगभग 3400 है। इनमें से 2500 से ज्यादा तो सिर्फ भारत में ही हैं, और उनमें से लगभग सब के सब यहाँ काजीरंगा में हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, ये अपनी ज्यादातर जिंदगी पानी में बिताते हैं। इससे इनकी बॉडी ठंडी रहती है, क्योंकि इनके शरीर पर ज्यादा स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते। अपने फेमस नेबर राइनो की तरह वाइल्ड वाटर बफलोस के भी शानदार सींग होते हैं, जो 2 मीटर तक के हो सकते हैं। दुनिया में सभी वाइल्ड कैटल में इनके सींग सबसे बड़े होते हैं, और काजीरंगा को नाज है कि ये शानदार जानवर यहाँ रहते हैं।